हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का नाम मात्र का एक छोटा सा हिस्सा है और समय के अधीन है। इस पृथ्वी ने ना जाने क्या क्या देखा होगा और ना जाने कितने परिवर्तन इस पृथ्वी पर हुए होंगे। इस पृथ्वी पर जब जब कोई परिवर्तन हुआ तब तब इसमें रहने वाले जीवों के आकार संरचना में भी परिवर्तन हुए। आज से हजारों साल पहले के जीव बिल्कुल अलग हुआ करते थे और यदि वह आज भी जीवित होते तो उनके शरीर में उनकी शारीरिक संरचना में बहुत अंतर होता। लेकिन प्राचीन समय के जीव आज के जीवों से ज्यादा खतरनाक थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक प्राचीन समय में मैमथ और साइबर टूथ जैसे जानवर एक ही समय में धरती पर मौजूद थे। मैमथ हाथी के पूर्वज माने जाते हैं तो वही शाकाहारी जीव भी हुआ करते थे। तो वही दूसरी तरफ साइबर टूथ एक मांसाहारी जीव था। यह दोनों जीव आज से 10,000 साल पहले इस पृथ्वी पर मौजूद थे। मैमथ उस समय के सबसे ज्यादा विशालकाय जीव थे। मैमथ के शरीर में 2 से लेकर 2.5 इंच लंबे बाल हुआ करते थे जो कि इसको ठंड से बचाने में इसकी रक्षा करते थे। यह अधिकांश बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे। शोधकर्ताओं को जब सेबरटूथ और मैमथ का जीवाश्म प्राप्त हुआ उसी के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि यह दोनों एक ही युग में रहा करते थे। लेकिन शोधकर्ताओं को हैरानी में तब पड़ गए जब उनको पता लगा कि मैमथ के जीवाश्म में साइबरटूथ के अटैक के निशान है, क्योंकि अब तक वैज्ञानिक मैमथ को एक ऐसा विशाल जीव मानकर चल रहे थे जिस पर उस समय का कोई भी जीव हमला नहीं करता था, क्योंकि एक विशालकाय मैमथ का वजन 6000 किलो और इसकी हाइट 14 फीट तक होती है, जबकि सेबरटूथ का वजन 280 किलो से लेकर 400 किलो तक होता है। तो वही इस बात की कल्पना करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सेबरटूथ कभी मैमथ पर अटैक करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन फिर शोधकर्ताओं ने सोचा कि क्या पता सेबरटूथ झुंड में रहा करते हो और झुंड में मैमथ का शिकार करते हो। लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने जब और शोध में पाया कि सेबरटूथ तो केवल अकेले ही शिकार करते थे और यह आज के टाइगर की तरह जीवन व्यापन करते थे, यानी कि अकेले ही। यह आज के शेर और टाइगर के कंपेयर काफी ज्यादा मस्कुलर हुआ करते थे। इनके सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार इनके कैनाइन वाले लंबे दांत हुआ करते थे जो बाहर की ओर मुंह बंद करने के पश्चात भी निकले रहते थे। इनकी रफ्तार आज के शेर और बाघ के मुकाबले धीमी होती थी क्योंकि इनकी पूंछ छोटी हुआ करती थी। इनके कैनाइन दांत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक हो सकती थी। लेकिन फिर भी 6000 किलो के वजनी मैमथ का सामना करना आसान बात तो नहीं है। तो शोधकर्ताओं के मुताबिक यह आमतौर पर मैमथ से दूरी बना के रखते थे क्योंकि यदि यह मैमथ की चपेट में आ गए तो इनका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यह तभी मैमथ को शिकार बनाने की कोशिश करते थे या सोचते थे जब शिकार की कमी का इन्हें सामना करना पड़ता था। यह आज के शेर और बाघ की तरह रात को शिकार करना अधिक पसंद करते थे। यह मैमथ जैसे विशालकाय जीव के ऊपर रात के समय हमला करते थे क्योंकि मैमथ रात को अच्छे से नहीं देख पाता है और यह मैमथ को रात के समय अच्छे से काफी दूर तक थका देते थे। इनका शरीर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता था जिसके कारण यह आसानी से मैमथ की चपेट में नहीं आते थे। मैमथ के थक जाने के पश्चात जब मैमथ थक के गिर जाता था तब यह मैमथ के ऐसे अंगों को निशाना बनाते थे। मैमथ के थक जाने के पश्चात जब मैमथ थक के गिर जाता था तब यह मैमथ के उन अंगों को निशाना बनाते थे जिससे यह आसानी से मैमथ पर विजय प्राप्त कर सके। जैसे यह मैमथ के पैर और मुंह के बीच के अंगों में यह अपने 20 सेंटीमीटर लंबे कैनाइन दांत घुसा देते थे। और भी कई जगहों पर यह अपने 20 सेंटीमीटर लंबे कैनाइन दांतों से मैमथ पर बार बार वार करते थे। इस तरह यह विशालकाय मैमथ को भी अपना शिकार बना लेते थे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।